नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आम जन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसकी समस्या को सुनने वाला जो अधिकारी कुर्सी पर बैठा है वही उसकी समस्या नहीं सुनता है, और बिहार में तो ये खूब होता है। हाल में आपको मालूम होगा कि आर ब्लॉक दीघा सिक्स लेन सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम नीतीश से जब डीजीपी के बारे में बताया गया कि वो फोन ही नहीं उठाते, तो उसके बाद सीएम नीतीश वहीं से उनको फोन करते हैं और कहते हैं कि डीजीपी साहब फोन उठाया करिए। अब हम एक और खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अब उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एसके सिंगल जो बिहार के नए डीजीपी हैं उनको फोन लगाते और कहते हैं कि जरा अधिकारियों पर नजर रखिए कि जो काम उनके जिले में उनके थाने में हो जाना चाहिए उन कामों के लिए आम जन को पटना क्यों आना पड़ रहा है, आखिर क्यों वो हमारे पास आकर इन कामों को समाधान, ये जो समस्या है उसके समाधान के लिए गुहार लगा रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। और इसी को लेकर उनके पास अन्य जिलों से बहुत सारे ऐसे ऐसे समस्याएं आए जिनकी समाधान उनके जिलों में और उनके स्थानीय पुलिस स्टेशन में हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी को लेकर उन्होंने डीजीपी को फोन लगाया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो डीजीपी एसके सिंगल से बात कर रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने बात किया और इस जनता दरबार के बारे में क्या कुछ वो बता रहे हैं, आप खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। देखिए, जनता के दरबार में उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम मैं कार्यभार संभालने के बाद प्रारंभ किया हूं, और इससे बिहार के अलग अलग जिलों से सभी अपने बिहार के लोग आते हैं और अपनी अपनी कठिनाइयों को बतलाते हैं। लेकिन एक बात हमने देखा है कि जो उनकी जो कठिनाइयां हैं वो जिला स्तर का है या प्रखंड स्तर का है, जिसका निदान उस स्तर पर हो जाना था, या पुलिस से जुड़ा हुआ विषय है तो पुलिस अधीक्षक के स्तर से हो जाना होना चाहिए, होना भी है, क्योंकि अंततः हम फिर या तो बड़ी अधिकारी को बताते हैं या फिर कम से कम जिला स्तर के अधिकारी को यहाँ से बताते हैं, तो ये इन चीजों को फिर ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जिला स्तर पर भी इन समस्याओं का निदान हो जाए। और लेकिन मामले काफी छोटे छोटे हैं, और हमारा प्रयास है कि इस तरह के जो छोटे मामले हैं इसको जिला स्तर पर ही कैसे निपटे। अभी मैंने आपके सामने में देखा ही कि पुलिस महानिदेशक से बात, हमारे जो पुलिस अधीक्षक हैं वो मिल रहे हैं लोगों से, सप्ताह में एक दिन तय है, अगर मिलने वालों की संख्या ज़्यादा है तो दो दिन वो मिलें, वो अपने कार्यक्रम में कहीं ना कहीं आम लोगों से मिलने का जो कार्यक्रम है उसको उसका एकोमोडेशन करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा निष्पादित हो, क्योंकि एक व्यक्ति कोई जिला से चलकर अगर पटना आता है तो वो एक परेशानी का सबब भी है। तो प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे जिन चीज़ों का निष्पादन जिस स्तर से हो सकता है वहाँ वो निपटे तो ज़्यादा बेहतर होगा, कई लोगों का जो अनावश्यक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उससे बचा जा सकेगा। तो बिहार के नए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने केवल डीजीपी एसके सिंगल को ही फोन नहीं लगाया, बल्कि जहानाबाद से भी एक महिला अपनी परेशानी लेकर आई थी, परेशानी उसके जिले में ही उस परेशानी का समाधान हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ था, तो गुस्साए उप मुख्यमंत्री ने सीधे वहां के एसपी को फोन लगाया और जमकर फटकार लगाई कि आखिर क्यों इस महिला की परेशानी का समाधान आपके स्तर पर नहीं कराया गया, आखिर क्यों इस महिला को पटना में मेरे पास आकर गुहार लगानी पड़ रही है। आपको मालूम होगा कि पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार नहीं लगा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जनता दरबार लगाएंगे, लेकिन उनसे बहुत पहले जो बिहार के नए उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने जनता दरबार लगानी शुरू कर दी है और लगातार जन समस्याओं को सुन रहे हैं और उसका समाधान भी करते नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि जनता दरबार लगाने के बाद बिहार के जो आम जन की समस्याएं हैं उसका समाधान जल्द से जल्द होगा और मुख्यमंत्री भी बहुत जल्द जनता दरबार लगाते आपको दिखाई देंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। एचएस बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।